में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां जनता को लुभावने प्रस्ताव देकर वोट देने के लिए आग्रह कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जहां अपने कामों का 5 साल का गारंटी कार्ड निकाला, तो वहीं भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान दिल्ली परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चीजें मुफ्त बांटने से कुछ नहीं होगा। गडकरी ने कहा, भाजपा दिल्ली की मुख्य समस्याओं जैसे जल और वायु प्रदूषण को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तकदीर को कोई चंद चीजें फ्री में बांटकर नहीं बदला जा सकता। दिल्ली का भविष्य बनाने के लिए दूरगामी योजनाएं बनानी होंगी, जिसका विजन भाजपा के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के लिए बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली के लोग 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का काम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। अब 40 मिनट में लोग दिल्ली से मेरठ जा सकेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे बड़े वादे किए, जैसे कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। इसके अलावा गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो आटा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल देने की बात की है। दिल्ली में 200 नए स्कूल और 10 नए कॉलेज बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा गरीब विधवा की बेटी को शादी के लिए 51,000 रुपए, 10 लाख युवाओं को रोजगार। दिल्ली में आयुष्मान पीएम आवास किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही बिजली पानी पर सब्सिडी जारी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। डीआईडी न्यूज की खास रिपोर्ट।